आपको प्रोसेसर है आपका ऑडिशन का ये लगा दिए, इसमें 8 चैनल एम्पलीफायर है और 9 चैनल प्रोसेसर है। एक्टिव पे जाते हैं, अगर दो पेयर आप कोई भी कंपोनेंट लगवाते हैं तो एक्टिव आपको 8 चैनल एम्पलीफायर चाहिए चाहिए। क्या होता है भैया इसका, क्या है कि लैपटॉप से सारा इसका जो हम एक्टिव करते हैं तो लैपटॉप से ट्यूनिंग करने पड़ते हैं। अगर इससे चलो कि सपोज करो कि अगर हल्का 19-20 होता है फ्रीक्वेंसी में, हाँ। तो आपका मतलब कि जैसे ट्यूटर खराब हो गया या स्पीकर खराब हो गया, कुछ भी खराब हो सकता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रवी सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं ड्रीम ऑडियो चंदू भैया के पास। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2022 टोयोटा फॉर्चूनर, जो कि अपना कन्वर्ट है लेजेंडर के अंदर। चंदू भैया, इस गाड़ी में आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हो और क्या आपने सेटअप आज तैयार किया गाड़ी के अंदर? भैया इस गाड़ी के अंदर काफ़ी हाई एंड काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑडियो के काम कर रहे हैं, प्रॉपर ऑडियो कर रहे हैं और हाई एंड कर रहे हैं और SQ सेटअप कर रहे हैं और एक्टिव सेटअप कर रहे हैं। जो एक्टिव सेटअप होता है ना, हाँ, जो हम पहले हर वीडियो में दिखाते हैं, तो जो पहले वीडियो है कुछ और था, कुछ सामान वही है, कुछ कन्वर्ट सामान दूसरा भी है और इसमें हम आगे पीछे एक कॉम्पोनेंट लगा रहे हैं और जो आपको हमेशा 9 चैनल ऑडिशन के DSP दिखाता हूँ वो लगा रहे हैं, एक मोनो एम्पलीफायर लगा रहे हैं और डीवी ड्राइव को वूफर लगा रहे हैं। तो जो चीज़ है मैं सामान दिखा के आपको सारी चीज़ बताऊंगा, कौन सा कैसे क्या कर रहे हैं वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। वही अपना वही वाला सेटअप रहेगा जो अपना टाटा सफारी में करा, टाटा सफारी वाला ही है। तो टाटा सफारी में क्या किया था, आगे 3-way कर दिए थे, हाँ। और इसके हम आगे पीछे फ्रंट एयर 2-way ही रख रहे हैं, ओके। और सब वूफर उसमें 6 इंच लगाए थे, 8 इंच लगा रहे हैं और मोनो कुछ अपग्रेड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो अगर बात करें तो स्टार्टिंग करते हैं पहले आपको कॉम्पोनेंट से। ये आपका रहता है लैब सीरीज का कॉम्पोनेंट, ठीक है, हाई एंड अपना हाई एंड है, ठीक है। 3 ओम के स्पीकर है ये, ओके। ये लिखा हुआ 3 ओम, ये 3 ओम का स्पीकर है आपका, मैक्सिमम पावर 180 वाट की है, ठीक है। इसकी जी अगर बात करें मिड बेस वगैरह काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। मेरे पास कुछ कटने के जुगाड़ दिख रहे, रुको एक सेकेंड, बस ये लिया मैंने चाबी कर दिया हुआ। ये आप बेस के स्पीकर देख सकते हैं, जितने ही देखने में सुंदर है उतने ही इसकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, ये अपना कार्बन में है? हाँ, ये कार्बन फाइबर है, ये कार्बन फाइबर है, मतलब लुक देख सकते हैं, मतलब ऐसे मन करता है कि देखते रहे स्पीकर, इतनी सुंदर है। हाँ। और इसकी मैग्नेट भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये आप मैग्नेट भी देख सकते हैं, हाँ, जो इसके कॉइल है कॉइल भी काफ़ी अच्छी है। और ये देख सकते हैं कि मिड बेस काफ़ी अच्छी है इसकी, हाँ। मिड बेस वोकल बहुत ही अच्छी है, ब्लेम। और ये आपका इसके अंदर मिलते हैं हमें सेपरेट 4 क्रॉस ओवर, चार, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। चार कैसे, ये तो 2 है, 2 ट्यूटर के लिए है और 2 आपका स्पीकर के लिए है। अच्छा, तो चारों अलग अलग है, तो इसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसके फीचर सारे बताने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव कर रहे हैं तो में अपना क्रॉस ओवर जरूरत नहीं पड़ती, नहीं, जो आपको अगर एक्टिव करते हैं जो क्रॉस ओवर है वो क्रॉस ओवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। ये डायरेक्ट आपका ये ट्यूटर ये स्पीकर आपका रन करेंगे एम्पलीफायर पे, ये हो गया आपको 2 पेयर, ये हम कंपोनेंट लगा रहे हैं एक्टिव, ठीक है। फ्रंट डोर और रियर डोर 2 पेयर, तो आपका एक कंपोनेंट हो गया जो आपको मैंने दिखा दिया, ओके। लैब सीरीज का काफी अच्छे हैं, ऊपर है कुछ लैब के ऊपर, लैब से ऊपर भी है अगर इस बजट में, मतलब काफी अच्छे है। सिग्नेचर सीरीज आते हैं अगर लगाएं तो ये आपका पड़ जाता है, मतलब वैसे MRP इसके 70,000 की है, ओके, ठीक, अच्छा, हाँ। और काफी कितना का मैं आपको लास्ट में कॉस्ट बता दूंगा, 40,000 नहीं, 40,000 नहीं, ठीक है, मैं 70,000 MRP है, ठीक है। जो आपका इसका लेस तो हो जाएगा ना, ये 70,000 का ही मिलेगा? नहीं, इस पे लेस हम 25% देते हैं। अच्छा, आप जो 70,000 आपकी MRP है, हाँ। उस पर 25% आप लेस कर सकते हैं, 20-25 मिल जाएगा, 25 सारे पे, ऑडिशन पे भी है। अच्छा, और आपका ब्लैम पे भी है, ठीक है। मतलब MRP में नहीं मिलेगा, नहीं MRP डिस्काउंट देते हैं। और जो आपका ये रहता है 8 चैनल एम्पलीफायर, हाँ। और 9 चैनल DSP आपने कई वीडियो में देखे होंगे, तो आप लोग ये मत बोलना कि भैया एक ही चीज़ हमेशा दिखा रहे हो, हाँ। ऐसे कुछ नहीं है ये, अब जैसे इसके अंदर हमने स्पीकर की, जैसे हम उसमें आगे 3-way एक्टिव किए थे, इसमें हम रियर पैसिव कर दिए थे, तो इसमें आपका फ्रंट रियर एक्टिव ही रहता है, ठीक है, हाँ। तो अच्छी चीज़ काफ़ी बेटर है कि मैं बार बार हर गाड़ी में लगा के दे रहा हूँ, मुझे खुद की भी तसल्ली है, जो हमारे भैया करवाना है तो उनको भी तसल्ली हो जाता है, इसलिए मैं हर गाड़ी में ज़्यादा ये लगाता हूँ, ठीक है। ऑडिशन का ही, ठीक है। तो जो ये आपका 9 चैनल है, ये ऑडिशन का, ये आप देख सकते हैं, ये पहला वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया था सारी चीज़, हाँ। तो इससे ना बड़ी हो जाती है फिर वीडियो ना, हाँ, बड़ी हो जाती है, तो
दिखाई दो, अगर खोल ही दिया यार अब क्या है यार। तो दिखाई देता हूँ आपको, हमेशा अलग अलग बंदा जुड़ता है ना वीडियो के साथ, इसलिए दिखाना ही पड़ता है। ठीक है, ये रहता है आपका स्पीकर वायर। ठीक है, जैसे कि जो स्पीकर हम चैनल नट टाइट करने के लिए देते हैं। हाँ हाँ। इसके अंदर ना अलग से वायर बना हुआ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका बना हुआ है, जैसे वन है, वन से स्टार्टिंग है आपका, फाइव तक नहीं है, मैं एट तक दिखाता हूँ आपको। वन से एक सेकेंड, एक सेकेंड, सिक्स, एट, वन से एट तक है। वन से एट तक आउट है, तो हमारे पास आ गया आठ चैनल। तो दो पेयर आपके, एक पेयर आगे फ्रंट कंपोनेंट हो गया कि रियर हो गए। हाँ। तो टोटल हमारे ऑल हो जाता है आठ, चार ट्यूटर हो गए, चार स्पीकर हो गए, ठीक है, आठ चैनल हो गए। तो आठ चैनल आपके एक्टिव हो गए। ओके, ये तो आपको रहता है जो स्पीकर के लिए आठ चैनल, और नाइन चैनल प्रोसेसर आपका आउट रहता है, ये जो आप देख सकते हैं सबवूफर आउट। हाँ हाँ, ये हो गया आपके नाइन चैनल डीएसपी और एट चैनल एम्पलीफायर। मतलब इसके साथ हर वायरिंग साथ में ही है। हाँ जी, तो ये आपका फ्रंट रियर का हो गया एक्टिव। ठीक, अगर है। बात करें इसके अंदर कुछ चेंजिंग की, हमने इसके अंदर थोड़ा मोनो एम्पलीफायर अपग्रेड किए हैं, जो रहता है आपका ऑडिशन का एसआर वाला, एसआर डॉट 500। ठीक है, ये आपका 1000 वाट की भी है, और आपका मोनो एम्पलीफायर डी क्लास की है। तो डी क्लास जो एम्पलीफायर है काफी अच्छा होता है। हाँ, बहुत सुंदर। अगर कोई भी ब्रांड में जाते हैं, अगर डी क्लास के एम्पलीफायर हो वो तो बहुत ही अच्छा, आंखें बंद करके ले लो। हाँ जी, ये आपके एम्पलीफायर के भी दिखा देता हूँ ओपन करके। वो छोटे छोटे गए ऑडिशन के, छोटे छोटे आपका, ये देख सकते हैं मोनोम्लिफ है हिसाब से, भाई जितना छोटा लोगे उतनी कॉस्ट हाँ। बढ़ती रहेगी। और आपका जो हम गाड़ी के अंदर फिट करेंगे वो चीज फिटमेंट में दिखाएंगे सारे आपको। ये आपको सारी चीज दिखा दिया, जो आपका वूफर रहता है डीवी ड्राइव का, 6 RMS का, 600 RMS का, 600 RMS का, या 400 नहीं 600। ये उसके अंदर हमने 6 इंच के वूफर लगाए थे, 8 इंच के, 8 इंच के आपका डीवी ड्राइव का पेटी भी है। ठीक है, कंपनी फिटेड बॉक्स है ये, आप देख सकते हैं। इसकी आपकी बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छी है, मतलब किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं, और लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको सारी चीज़ मैंने दिखा दिया, अब रह गया जो गाड़ी में फिटिंग कर रहे हैं, तो सारे फिटिंग में दिखाएंगे। वायरिंग कौन सी कर रहे हो इसके अंदर? हाँ, वायरिंग में दिखाते हैं आपको। ब्लू पंकी लगाएंगे, ब्लू पंकी OFC की, ये 10,000 रुपये की है, ये 100% OFC है। ठीक, ये जो ब्लू पंकी है ये किट लगाएंगे हम, जो गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे वो चीज़ भी दिखाएंगे आपको किस हिसाब से फिटिंग की है। फिटिंग है। में काफ़ी अच्छे अच्छी करते हैं, मतलब कि MDF बोर्ड वोर्ड बना के, कि मतलब कल को आपको सीट के नीचे लगाते हैं तो कई बार पानी की बोतल गिर जाए, कुछ गिर जाए, पानी की बोतल गिर जाए, ये क्या बोल रहे हो? नहीं होता है, कई बार बच्चे से गिर जाए, किसी से गिर जाए, तो कई बार क्या होता है एम्पलीफायर, कई बार कंप्लेंट आ चुका है मेरे पास, एम्पलीफायर उसकी वजह से खराब हो जाते हैं। आप 1,00,000 रुपये एम्पलीफायर पे खर्च कर रहे हैं, वहाँ अगर खराब हो जाए दिक्कत हो जाता है, कंपनी वारंटी नहीं देते पानी की। अच्छा, वाटर की नहीं देते? हाँ, वाटर की कंपनी वारंटी नहीं देते, इसलिए हमें MDF बोर्ड बना के उसके ऊपर माउंट करते हैं कि कल को पानी होने कुछ छोटा मोटा चीज गिरे तो आपका मतलब गीला कुछ ना हो, सिर्फ गीला कुछ ना हो, बोर्ड एम्पलीफायर आपका सही रहे। ठीक है, ठीक है, जो चीज है मैं आपको अंदर बताया वो चीज आपको गाड़ी के अंदर चलिए, हम गाड़ी के अंदर भी सारा फिटिंग दिखाएंगे आपको किस हिसाब से कैसे किए। ठीक है, मतलब अपना यही सेटअप, ये लगभग अपना कितने रुपए का सेटअप बन जाएगा आज का फॉर्च्यूनर के? ये लगभग आपका 2+ जाएगा, तो 2,00,000। हाँ, 2,00,000+ जाएगा, तो मैं एंड में बता दूंगा आपको टोटल कितने, आप उस पे वीडियो पे लिख भी देना। हाँ, एक बात और, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, ये कहते हैं चंदू भैया इतना महंगा देते हैं 2-2, 3-3 लाख का, सस्ता वाला कब आएगा? नहीं, सस्ता वाला हम वीडियो बना देंगे आपको, मेरे पास ऐसे कि कोई अगर छोटा गाड़ी हो तो हम 30,000 के प्रॉपर सेटअप करके दे देते हैं, 30,000 समझ लो कि एक प्रीमियम क्वालिटी के, मतलब स्टार्टिंग है, मजा आ जाएगा 30,000 रुपए में, वायरिंग वायरिंग सब कुछ, सब कुछ 30,000 रुपए में। एक पेयर कंपोनेंट फिर कब ला रहे हो 30,000 वाली वीडियो? वो आपको हम 4-5 दिन के टाइम में आपको वीडियो बना देंगे भाई, अभी कह रहा हूं नहीं लाएंगे, देख नहीं ले आएंगे, स्टार्टिंग सीरीज रखना होगा। ये नहीं है, हाई एंड में भी लो बजट भी है, तो जो हमारे भैया उनको कहते हैं थोड़ा मुझे हाई एंड चाहिए, इसीलिए जहाँ मेरे पास कस्टमर हाई एंड का ही है, तो इसीलिए हम हाई एंड करते हैं। और चलो हम गाड़ी को दिखाते हैं आपको कैसे कैसे फिटिंग किए, कैसे किए। पर छुपा के लगी हुई है ना, और जो कंपोनेंट ये आपका फ्रंट डोर है इस पे लैब लगा हुआ है, जो आपका बेलन मेडियो की लैब है, जो अभी अंदर दिखाया है, ट्यूटर की फिटिंग भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये भी पूरा एक्टिव सेटअप है। अच्छा, एक्टिव ही अलाउड, एक्टिव SQ सेटअप। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जो नाइन चैनल आपका ऑडिशन का था।
प्रोसेसर, 8 चैनल एम्पलीफायर और 9 चैनल प्रोसेसर, ठीक है ये दिखता है। उसके साथ एक आपका जैसे इनके अंदर इनबिल्ट ना ब्लूटूथ नहीं आते, अच्छा तो उसका ये डिवाइस आ गया है कि अगर हम हेडफोन से नहीं सुन रहे तो हम डिवाइस से सुन सकते हैं डायरेक्ट फोन से ब्लूटूथ से ही, ठीक है। मतलब इसके अंदर ही हो गया फिर, हाँ इसके अंदर ही हो गया, मतलब जगह घेरने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। एक बोर्ड पे आपका सारा इसके और आप सारा ऑलमोस्ट फिटिंग चेक कर सकते हैं भाई, वायरिंग चेक करो बस, एमडीएफ की बोर्ड प्रॉपर बना के। क्या बात है भाई, वायरिंग यार मेरी गाड़ी में नहीं करी यार तुमने, यार ये क्या बात हुई, गलत बात है यार ये, आपकी गाड़ी के हिसाब से हुआ है और जो नई गाड़ी थी आपने उसको बेटर कर देंगे। सीटी के की डैम्पिंग, ये वाला कौन सा ब्रांड है, सीटी के का कौन सा है, डैम्पिंग है। और ये स्पीकर में आपको बफर डबल एयर, डबल एयर, हाँ डबल ले रहे, ठीक है अच्छा ऐसे वोफल, वोफल ये वोफल है, ठीक है। स्पीकर के आगे से देख सकते हैं किस तरह है देखने में, अभी अंदर भी तो दिखाया है, टूटल है, ठीक है ठीक है। वायरिंग अपनी वही प्रॉपर हुई है, कॉपर प्रॉपर हुई है, प्योर कॉपर। आपका मोनो एम्पलीफायर भी दिखा देता हूँ, दिखा दो दिखा दो भैया एक मिनट। ये आपका ऑडिशन का ही जो आपको अंदर दिखाया गया था, अच्छा एस आर 1.500 वाला, ये आपका मोनो एम्पलीफायर है, इसकी वायरिंग चेक कर सकते हैं। ओके ओके ओके, वायरिंग ये बिल्कुल वायरिंग देख सकते हैं, क्या बात है प्रॉपर एमडीएफ बोर्ड लगा हुआ है। बीच में वायरिंग, ये कौन सी वायरिंग कैसे जोड़ी है तुमने, वूफर की है। और ये आप इसका भी ट्यूटर भी देख सकते हैं, ये ट्यूटर तो बड़ा शानदार लग रहा है भाई, लाइफ भी तो फिर पैसे भी तो अच्छे खासे है ना, ये नहीं बता रहे। और जो इसकी बैटरी वायर है, तो जो बैटरी वायर आपको हमेशा दिखाता हूँ देखते हो, पर बिल्कुल प्रॉपर जो उनके रबर होते हैं उसको पंच करके हम अंदर रोन डालें, हाँ मतलब रबर साइड से नहीं करा बिल्कुल उसके अंदर, हाँ बिल्कुल। इसके अंदर क्या है कि आपका एक इंजन के हीट अगर बात करें चूहे कई बार आ जाते गलती से, हाँ कोई वायरिंग के नुकसान नहीं होता आपकी, गलती बिल्कुल सेफ है। और आपका ये देख सकते वायरिंग पे भी प्रॉपर स्लिप, जैसे पीछे दिखाया आपको बूफर वायर पे प्रॉपर स्लिप चली हुई है, फ्यूज लगा हुआ है दोनों पावर केबल पे, फ्यूज लगाना चाहिए, फ्यूज हमेशा, कोई भी गाड़ी हो वायरिंग हल्की हो या महंगी हो वो मैटर नहीं करते हैं, फ्यूज होना ही चाहिए, होना चाहिए, हाँ इससे बच जाते हैं चांसेस, हाँ बच जाते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ दिखा दिया, बाकी आपको प्रॉपर मैं सिस्टम ऑन करके, हाँ फिर आपको आवाज़ सुनाते हैं, साउंड सुनाते हैं, ठीक है। मतलब ऑडिशन का ही अपना एम्प और मोनो लगा है, हाँ सारा ऑडिशन का लगा ही नहीं, प्रोसेसर लगा है, ऑडिशन का 9 चैनल प्रोसेसर 8 चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ है। इसमें क्या क्या आ गया, क्या क्या इनके फ्रंट गियर दोनों एक्टिव कंपोनेंट आ गए। करण, करण और क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया, और काम कैसा चल रहा है, फर्स्ट क्लास, क्या बात है। और चंदू भैया हमारा काम कंप्लीट हो चुका है फॉर्च्यूनर के अंदर, और क्या क्या आपने फिट कर दिया अभी तक इसके अंदर भैया, लैब के जो आपको अंदर दो पेयर कंपोनेंट दिखाए, हाँ। दो पेयर कंपोनेंट लगा दिए फ्रंट और रियर, ठीक है। और 9 चैनल जो प्रोसेसर है आपका ऑडिशन का ये लगा दिए, इसमें 8 चैनल एम्पलीफायर है और 9 चैनल प्रोसेसर है, ओके। और इसके अंदर आपका फ्रंट और रियर दोनों एक्टिव किए हैं, ठीक है। अच्छा रियर भी अपना एक्टिव ही होगा, हाँ जी एक्टिव, समझ गए ना, हाँ हाँ हाँ। मतलब आपको 8 चैनल, दो पेयर कंपोनेंट को हमें 8 चैनल चाहिए होते हैं, तो 8 चैनल एम्पलीफायर है और 9 चैनल डीएसपी है, ठीक है ठीक है। वो लगा दिया मैंने, और 8 इंच के जो वूफर दिखाया था आपको, हाँ। डीवी ड्राइव की, वो वूफर लगा दिया, ठीक है। और आपकी मतलब ऑलमोस्ट फिटिंग हो चुका है, फिटिंग आप चेक भी कर सकते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन हुआ, हाँ। भाई अपना लक्कड़ लगा के, हाँ, बिल्कुल का। दोनों आपको मोनो के फिटिंग भी दिखा दिया था, वायरिंग अपनी अंदर जा रही है, मतलब सार... पता नहीं लग रहा वायरिंग जा भी थी अंदर, हाँ बिल्कुल नहीं पता लग रहा है, मतलब कि अंडरग्राउंड वायरिंग हो गया सारे, हाँ। और ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, आपको म्यूजिक प्ले करके भी सुनाता हूँ। मतलब हम एक्टिव पे जाते हैं, अगर दो पेयर आप कोई भी कंपोनेंट लगवाते हैं तो एक्टिव आपको 8 चैनल एम्पलीफायर चाहिए चाहिए, फिर आपको 8 चैनल एम्पलीफायर मतलब दो 4 चैनल चाहिए, अगर सपोज करो कि हम ये नहीं लगाते, हाँ। तो आपका दो आपको 4 चैनल एम्पलीफायर चाहिए, ठीक है जी, एक मोनो एम्पलीफायर चाहिए, 3 तो एम्पलीफायर हो गया आपका, और एक आपका 10 चैनल के प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे बेनिफिट मतलब अच्छी चीज़ ये है कि ये 9 चैनल प्रोसेसर है और 8 चैनल एम्पलीफायर है, ठीक है। हमारा एक एम्पलीफायर में प्रोसेसर का भी काम आ गया 10 चैनल 9 चैनल, हाँ। और आपका दो 4 चैनल भी हो गया, अच्छा एक इसके अंदर ही हो गया, हाँ जी। अगर बात करें मतलब कि बहुत ही मतलब ये चीज़ जो जिसका एक्टिव का शौक है, तो ऑडिशन का जो 9 चैनल डीएसपी और 8 चैनल एम्पलीफायर है यही लगाना चाहिए कि आपकी मतलब कि गाड़ी की जगह भी कम लेगी, आउटपुट, हाँ। भी बहुत ही बेटर है, मतलब कि एक्टिव में आपको इसके अंदर ही जाना चाहिए, काफ़ी बेटर लगा मुझे, अगर साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर लगा। बाकी आपको म्यूजिक प्ले करके सुनाता हूँ तो कुछ आपको ऑडियो में पता पड़ जाएगा किस तरह से फील आ रही है आपको, क्या सुनने में लग रहा है। और ये बात बता दो, ये लैपटॉप में क्या होता है भैया, इसका क्या है कि लैपटॉप से सारा इसका जो हम एक्टिव करते हैं तो लैपटॉप से ट्यूनिंग करने पड़ते हैं, अगर इससे
चलोगे, सपोज करोगे अगर हल्का 19-20 होता है फ्रीक्वेंसी में हाँ। तो आपका मतलब कि जैसे ट्यूटर खराब हो गया या स्पीकर खराब हो गया, कुछ भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए इसकी ट्यूनिंग मतलब बहुत सेंटी, मतलब कि ध्यान से, मतलब कि एक एक चीज़ फ्रीक्वेंसी को मैचिंग करने पड़ता है कि ट्यूटर क्या देना है, स्पीकर क्या देना है, बूफर क्या देना है। तो एक्टिव इश्यू कहते हैं। पैसिव में क्या होता है कि जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर एक्टिव करते हैं तो बहुत ही मतलब ध्यान से ट्यूनिंग करने पड़ते हैं। मतलब हर कोई, मतलब मान लो बोलना नहीं चाहिए, हर कोई वैसे ट्यूनिंग कर भी नहीं पाते हैं। अच्छा। क्योंकि हाँ जी, कि एक्टिव की ट्यूनिंग समझ लो कि सारा फ्रीक्वेंसी की मैचिंग ही होता है। फिर आप सीख गए ट्यूनिंग, सेटिंग सीख गए? हाँ, प्रॉपर ट्यूनिंग कर लेते हैं वैसे अभी, करता करता 3-4 साल हो गए। अगर किसी को अपनी प्रोसेसर की सेटिंग कराने हो तो चंदू भाई जिंदाबाद है। हाँ बिल्कुल, कर दोगे फ्री में? हाँ फ्री, नहीं नहीं फ्री में तो नहीं करेंगे। और मतलब कि जो आपको दिखाया हूँ ये चीज़ काफ़ी बेटर है, किसी अगर मतलब एक्टिव को करवाते हैं तो काफ़ी बेटर है। और सारा चीज़ मतलब फ्लोरिंग भी डैम्पिंग हुई है। हाँ फ्लोरिंग भी डैम्पिंग है, वो तो मैंने कार्पेटर बंद कर दिए, आप लेट आए हो। और जो फ्रेंड का ट्विटर वोटर सब आपको दिखाई दिया मैंने, सीटिंग हुई है अपनी नीचे ना, सीटें डॉक्टर अटैक्स। अच्छा डॉक्टर अटैक्स। हाँ जो डोर्स है उसमें इनकी पुरानी लगी हुई थी, सीटी के, सिटी के जो लगी हुई है पुरानी है, हमने अपने डॉक्टर आज से फॉलोड किए हैं, डैम्पिंग नहीं पुरानी यूज की है, और बाकी चीज़ हम सारे नई लगाए, न्यू लगाए। हाँ जी न्यू लगाए। और बात करें जैसे आप देख सकते हैं ना, जैसे आपको बताया कि ये ट्विटर ये सब कुछ अलग अलग है। ठीक है। हाँ जिसका इंतजार कर रहे हैं बस साउंड तो सुना। आप सारे चीज हम दिखा नहीं सकते स्क्रीन पे क्या क्या है, लेकिन मतलब इसकी ट्यूनिंग का बिल्कुल ध्यान रखना भाई, देख लेना। बड़ा मैंने फोकस करा है, सारे अपने देख लेना, ठीक है। और बाकी जो है म्यूजिक प्ले करके आप सुनाते हैं भाई, सबको आना चाहिए यार, ऐसी बात नहीं है, क्यों इतनी दूर दूर से आओगे, सब सब अपने आप कर लो घर बैठे, मैं जूम कर करके दिखा दूंगा, ठीक है। करो फिर साउंड प्ले करो, हम भी तो देखें क्या मजा आ रहा है गाड़ी के अंदर। I'm